गुड मॉर्निंग एवरीवन, टाइम है सुबह के 9 में पहुंच गया हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई क्योंकि आज ही बहुत ज़्यादा धुंध और बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था 110, इसलिए सामने कुछ दिख ही ना था। अपना शांति से और आराम आराम से आ गया। आप बताओ, आप कैसे हो? आई होप अच्छे हो, अच्छे ही रहना। चलो बढ़िया है, मजे में हो तो मजे में ही रहना यार। कल मैंने व्लॉग बनाया आपके लिए, तो अच्छा व्लॉग बनाया, पर उस पर कोई इतने लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं आया यार। ब्लॉग आपके लिए बनाते हैं, आपके देखने के लिए बनाते हैं, तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करो। क्या कह रहे, बोल लो बोल लो बोल लो। मैं घर से आया 9 बजे। धुंध देख, मौसम का क्या हाल है? वो वाले देख, हॉस्पिटल का गेट भी दिख रहा। कभी फिर बाद में उन्हें कह गए क्या कर दे मेरे साथ अन्ने। हाँ नहीं, ग्रुप में क्यों गिरूँ मैं? मौसम पर खतरनाक हो रहा है। मौसम का है हाल कुछ ऐसा, सारा फर्श गीला हो पड़ा और कोहरे का आलम ही है इस कदर। उधर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी से ऐसे दिख रही है, और पेड़ पे तो भाई दबा कैसा हो रहा है जैसे कि बारिश तगड़ी पड़ी हुई हो। लो भाई, इतनी धुंध पड़ेगी, इतना कोहरा होगा तो भाई काम कैसे होगा? देखते हैं बाकी होता क्या, क्या चलता है क्या नहीं चलता। आलम ये है भाई, देखो आग सेकने पड़ गया आज तो भाई साहब, इतनी ठंड लग रही है। और ये भाई भी सेक रहे हैं, ये भाई सेक रहे हैं हमारे गार्ड भाई। और मौसम देखो भाई, फोन पे वगैरह चला रहे हो क्या? चला तो रहे यार, पैसे वैसे तो है नहीं फोन पे में। नहीं यदि यार मंगाऊं तो कैश दे दोगे क्या? वे तो ऐसे ऐसे गाने चला रहे भाई, उनका तो कोई और ना कोई मने करता। मना करता वो तो कह रहा। कैसे मना करता? हाँ ऐसे ऐसे जब तो आया मुझे शिकार से क्या? हाँ मुझे 20 मीटर का दिख रहा था, अब तो छोटा बहुत दिख भी रहा। ये यही तो दिख रहा। हाँ शाहपुर में बहुत ज्यादा धुंध है तो भाई साहब इतना बुरा हाल है। हाँ वो भेज रखी थी ना, अब जीरो विजिबिलिटी भाई साहब, हमारी भी तो फीलिंग समझो। सारे गिल्ले हो रहे हैं, चिपक रहे। पैंट भी देख कितनी गिल्ली हो रही मेरी, तू तो फिर भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर था। मैं देख कितनी दूर सा रहा, 7 किलोमीटर से 7-10 पड़े। यहाँ का मीटर चालू हो गया एयर कलियर से, और ये रहा नर्सिंग स्टाफ हमारा उधर। दोपहर के 12 और हालत देखो भाई, धुंध की बहुत ज्यादा मेरे पीछे दिख रही होगी, कितना बुरा धुंध है। क्या कहते हैं ये हम दोनों चलेंगे बकरा, ये अलग चल जाएगा। मैं दोपहर के 12 और हम चले इस टाइम फील्ड में सलीम सर में, और तारिक सर।
चुका है शाम के 5 और मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल। हम सुबह निकले थे फील्ड के लिए थी, पर हम फील्ड पे तो गए नहीं, पहले गए हम शाहपुर एक डॉक्टर काजी है उनसे मिले, उसके बाद हम पहुँच गए थे उमरपुर। उमरपुर पढ़े हमने नमाज, नमाज के बाद हमें वहाँ पे डॉक्टर से मिले था, पर हम डॉक्टर से नहीं मिल पाए क्योंकि हमें जाना था इमरजेंसी मुजफ्फरनगर, कॉल आ गई थी, हम इमरजेंसी मुजफ्फरनगर गए, मुजफ्फरनगर बैंक के 2-3 काम थे कानून टाइम, उसके बाद मैं वापस आ गया हॉस्पिटल। मुजफ्फरनगर क्या काम करा क्या नहीं करा, बैंक का जो भी काम था वो सब मैंने करा, पर उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाया ना मैं दिखा पाया। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ब्लॉग पक्का बनाऊंगा और याद भी रखूंगा कि ऐसा ब्लॉग बना के देना है। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, हॉस्पिटल में बड़ी हुई है भीड़, क्योंकि ये बैठे सब पेशेंट के अटेंडेंट, पेशेंट और रिसेप्शनिस्ट वाले सब बैठे, नाइट होने वाली है, थोड़ी बहुत देर में दिन छिप जाएगा। और भीड़ क्राउड देखो कितना है, ऐसे क्राउड में मज़ा आता है, वैसे क्राउड रहता है तो जब भी मज़ा आता है। टाइम हो चुके शाम के 6 और मैं हॉस्पिटल से घर जाने के लिए रेडी हूँ। हाँ भाई क्या कह रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू यार इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए। कौन सा कैर था वैसे, कौन सा कैर था? आप हैंडसम लग रहे, नियत सही नहीं दिखे उस्ताद। क्या चीज टाइम हो चुके शाम के 6 और मैं हो गया घर जाने के लिए रेडी, घर जाने के लिए रेडी। चलो चलते हैं घर और देखते हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। टाइम हो चुका है रात का 9 और मैं आ गया था घर, घर आके मैं खाना वाना खा चुका हूँ, अब रेस्ट करने चलते हैं, रेस्ट करेंगे और उठते हैं, मिलते हैं सुबह। चलो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं सुबह, बाय बाय।